Hey traders, good evening. Welcome back to my YouTube channel. Friends, देखते हैं कल हम इंट्राडे के लिए कौन से स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हैं, उनके पीछे का लॉजिक क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी इन्वेस्टमेंट वीडियो शेयर करती हूँ आपको सही समय पर मिल सके और आप उनका फायदा उठा सकें। इंट्राडे के लिए पहला स्टॉक है हिंदुस्तान पेट्रोल। हिंदुस्तान पेट्रोल में एक ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए कई बार अटेम्प्ट कर चुका है। फ्रेंड्स, कल अगर आपको इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज करते हुए दिखाई देती है तो आप हिंदुस्तान पेट्रोल को बाय कर सकते हैं। आपका जो बाइंग लेवल है वो है 294, जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो है 291 और जो आपके टारगेट रहेंगे हिंदुस्तान पेट्रोल में वो है 297 और 300। तो कल अगर आपको इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज करे तो आप इसको इमीडिएटली बाय कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है इंट्राडे के लिए ल्यूपिन। ल्यूपिन में ये एक रेजिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल जो भी ये फेस कर रहा है ल्यूपिन। ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बना हुआ है ल्यूपिन के लिए। कल अगर आपको ल्यूपिन इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज करते हुए दिखाई देता है तो आप ल्यूपिन को बाय कर सकते हैं। आपको ल्यूपिन में जो बाइंग का लेवल है वो है 954 और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो है 950 और जो आपके टारगेट रहेंगे वो है 959 और 965। तो आप इसको इंट्राडे के लिए देख सकते हैं अगर कल ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है इंट्राडे के लिए टाटा स्टील। टाटा स्टील में एक सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, एक सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। फ्रेंड्स, तो कल अगर आपको ये जो रेजिस्टेंस है अगर कल ये रेजिस्टेंस ब्रेक होते हुए दिखाई देता है और इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज करती है यहाँ पे तो आप टाटा स्टील को बाई कर सकते हैं। आपका बाइंग का जो लेवल है वो है 1291 और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो है 1286 और जो आपको टारगेट देखने को मिलेंगे टाटा स्टील में वो है 1296 और सेकंड टारगेट रहेगा आपका 1299। फ्रेंड्स, कल अगर आपको टाटा स्टील में ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक होते हुए दिखाई देता है सिमेट्रिक ट्रायंगल का जो सपोर्ट है तो फ्रेंड्स कल आप इसको सेल कर सकते हैं अगर इसमें एक बेयरिश कैंडल क्लोज करते हुए दिखाई देती है आपको इस सपोर्ट के नीचे यहाँ पे तो आप इसको सेल कर सकते हैं 1264 के नीचे और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा सेल साइड के लिए वो है 1268 और जो आपके टारगेट रहेंगे सेल साइड के लिए वो है 1260 और आपका सेकंड टारगेट रहेगा 1257। तो कल आप इसको देख सकते हैं इंट्राडे के लिए। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है एलएनटी। एलएनटी में भी एक सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, ये एरिया कंटिन्यू सपोर्ट के ऐसे वर्क कर रही है सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न में और ये जो लाइन है ये रेजिस्टेंस के ऐसे वर्क कर रही है। एलएनटी में ये जो ट्रेंड लाइन है ये कंटिन्यू सपोर्ट के ऐसे वर्क कर रही है और ये जो ट्रेंड लाइन है ये कंटिन्यू रेजिस्टेंस के ऐसे वर्क कर रही है। कल अगर एलएनटी में आपको एक ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज करती हुई दिखाई देती है तो आप एलएनटी को बाय कर सकते हैं। यहाँ पे कल एक बुलिश कैंडल क्लोज करते हुए दिखाई दे तो आप 1743 के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो है 1738 और जो आपके टारगेट रहने वाले हैं वो है 1750 और आपका सेकेंड टारगेट रहेगा 1759। फ्रेंड्स, कल अगर आपको इसका जो सपोर्ट है ये ब्रेक होते हुए दिखाई देता है ये तो आप एलएनटी को सेल कर सकते हैं। इससे सपोर्ट के नीचे अगर आपको एक बेयरिश कैंडल क्लोज करते हुए दिखाई देती है फर्स्ट 5 मिनट की तो आप 1717 के नीचे इसको सेल कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा एलएनटी में वो है 1722 और जो आपको टारगेट देखने को मिलेंगे सेल साइड में वो है 1709 और 1700। तो आप इसको
इंट्राडे के लिए कल देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है इंट्राडे के लिए बंधन बैंक। बंधन बैंक में ये जो सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न है ये ब्रेक हो चुका है। ये जो सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न है बंधन ब्रेक में हमारा नेक्स्ट स्टॉक है बंधन बैंक। बंधन बैंक में एक सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ये सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न है। कल अगर आपको बंधन बैंक में सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न है ये ब्रेक हो चुका है। कल अगर आपको बंधन बैंक इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज करते हुए दिखाई देती है यहाँ पे कल अगर आपको बंधन बैंक मिलती है तो आप 287.50 के ऊपर आप इसको इमीडिएटली बाई कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा इसमें वो है 286 और जो आपके टारगेट रहेंगे वो है 289 और 291। बट कल अगर आपका ये जो बंधन बैंक में सपोर्ट है कल ये सपोर्ट ब्रेक करते हुए दिखाई देता है आपको और इस सपोर्ट के नीचे एक बेरिश कैंडल क्लोज करती है तो आप बंधन बैंक को सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सेल साइड 283 के नीचे आप इसको सेल करिएगा। आपका जो सेल साइड के लिए स्टॉप लॉस रहेगा वो है 285 और जो आपके टारगेट रहेंगे सेल साइड के लिए वो है 281 और 280। तो फ्रेंड्स कल आप इंट्राडे के लिए बंधन बैंक को देख सकते हैं। आज के लिए एनालिसिस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। गुड डे, गुड ट्रेडिंग।